वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पुलाव। तो गाइज ये बहुत टेस्टी बनता है और इसको ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हाँ आपको बता दें ये 800 ग्राम हमारा चिकन है। तो चलिए गाइज सबसे पहले हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। सो गाइज सबसे पहले हमने ये आधा कप दही ले लिया, उसमें हमने एक चम्मच रेड चिली पाउडर डाल दिया। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, इसमें मिक्स कर लिया। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे कम से कम 3 चम्मच, 1 2 3। तो गाइस 3 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और इसमें हम फिलहाल इसके अंदर थोड़ा सा ही नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि अभी हमें पूरे प्रोसेस में नमक डालना है। अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी मिर्च 1 छोटा चम्मच। ये अगर आपको ना मिले तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइज हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो गाइज हमने इसमें अच्छे से चिकन में और सारा मसाला डाल दिया, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, ये देख सकते हैं। अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए 2 घंटे तक रख देंगे साइड में। 1 कप ऑयल डाल देंगे क्योंकि बिरयानी है तो थोड़ा तो बनता ही है गाइस। सो गाइस हम अपने पुलाव में सबसे पहले कढ़ाई ले लेंगे, उसके बाद हम घी डालेंगे। तो पुलाव में थोड़ा तो घी बनता ही है गाइस। 1 कप डाल देंगे गाइस हम, तेल गरम होने देते हैं थोड़ा। तो गाइस तेल गरम हो गया, इसमें 2 तेज़पत्ते डाल देंगे, 2 से 3। 2 बड़ी इलायची डाल देंगे गाइस हम, 2-4 लौंग, 2 छोटी छोटी सी दालचीनी की लकड़ी और इसमें हम 2 बड़ी प्याज डाल देंगे स्लाइस करके पतली पतली। हम इसको धीमी धीमी आंच पे ब्राउन कर लेंगे। सो गाइज इसको ध्यान रखिएगा गाइज, इसको ब्राउन होने तक ही हमें भूनना है। जो अनियंस है वो लाइट ब्राउन हो गई है, इसको अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो गाइज अगर आपने ये प्याज जो है ज़्यादा ब्राउन कर दी तो आपकी बिरयानी का स्वाद बिगड़ जाएगा, तो इसीलिए इसको बहुत ध्यान से ब्राउन करें। तो सबको निकाल लेंगे। तो गाइज हमने इसमें थोड़ी सी प्याज छोड़ दी है और अब हम इसमें डालेंगे मटर। हमने 500 ग्राम मटर ले लिए थे, उस तो गाइज इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, फिलहाल हमने 1/2 टीस्पून डाला है। तो गाइज ये मैंने 1/4 कप ये पानी है हमारा, ये हम इसमें डाल देते हैं, थोड़ा गल जाए मटर इसलिए। गाइज हम इसको कवर करके इसको गला लेंगे 5 मिनट तक के लिए बस। तो गाइज हमारे मटर हो चुके हैं, देख सकते हैं आप, वाओ। इसको हम भून, तो गाइज हम अब 10 मिनट हो चुके हैं, आप इसको छू के देख लीजिए इस तरह से ये गल गए हैं कि नहीं। इसमें डाल देंगे टमाटर, 2 हमारे बड़े साइज के टमाटर हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो गाइज हम थोड़ी देर टमाटर को भी ढक के रख देंगे ताकि ये भी गल जाए अच्छे से। हमारा टमाटर गल गया होगा, ये देखिए हमारे टमाटर गल गए हैं सारे, मिक्स हो गए इसमें। गाइज अब हम इसमें अपना चिकन डाल देंगे जो हमने 2 घंटे तक मैरिनेट करके रखा है। तो गाइज हम सारा चिकन इसमें डाल देंगे वो भी। तो गाइज हमारे 4-5 मिर्ची है, ये हमने बीच में स्लिट कर लिया इसको, ये भी हम इसमें डाल देंगे। इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह से जब तक हमारा चिकन अच्छे से गल नहीं जाता है। ये हमारी तली हुई प्याज है, ये आधी हमारी बचा ली और आधी हमने पीस ली। तो गाइज ये पानी हमने पतीली में चढ़ा दिया है, कम से कम 4 किलो पानी हमने चढ़ा दिया और इसमें हम कुछ तेज पत्ते ऐड कर देंगे, 4-5 लौंग, दालचीनी की लकड़ी छोटी सी और बड़ी इलायची हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको उबलने देंगे पानी को। तो गाइस ये हमारी पीसी हुई प्याज है। तो गाइस हमने 2 चम्मच ऐड कर दिए पीसी हुई प्याज। 2 घंटे तक चावल भिगो के रखे थे, अभी अच्छे से भीग गए और हमने इसका सारा पानी जो है ड्रेन कर लिया है। ये बासमती के चावल है, आप कोई से भी ले सकते हैं, लंबे वाले होने चाहिए। तो गाइज हमारा पानी उबल गया, हम उसमें अपने सारे चावल ऐड कर देंगे केयरफुली।
चावल में थोड़ा सा नमक डाल देंगे, स्वाद के अनुसार डाल दीजिए आप। तो गाइज हम इसको 70% तक कुक कर लेंगे, हम इसको ढक के पकने देंगे। गाइज जो अखनी है वो तैयार हो गई है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और उसको अभी ढक के रख देंगे। 70% तक राइस भी कुक हो गए हैं लगभग, छूकर आप देख सकते हैं, ये देखिए टूटने लायक हो जाने चाहिए बस। कर दिए, हम इसको पसा लेंगे, यानी कि हम इसका पानी सारा ड्रेन कर देंगे। तो गाइस इसमें हम अपनी सारी जो भी अपनी अखनी बनाई थी वो सब इसमें डाल देंगे। बहुत बहुत अच्छी स्मेल पूरे घर में फैल गई है गाइस, वाओ स्मेल सो गुड। तो गाइस जितना अच्छा कलर आप देख रहे हैं ना हमारे मिक्सचर का है, उतने अच्छा कलर बिरयानी का आने वाला है, आप देखिएगा। तो गाइस ये देखिए हमारा बिरयानी मसाला, जिसकी वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखी है, तो हम इसमें डाल देंगे बिरयानी मसाला 2 चम्मच के आसपास, हम इसमें डाल देंगे बिरयानी मसाला। इसको हम मिक्स कर देंगे सारे हमारे मसाले को और चावलों को। तो गाइस ये हमारी थोड़ी सी ब्राउन अनियंस है जो हमने बचा ली थी, इसको हम इस पे डेकोरेट कर देंगे। ये हमारी थोड़ी सी हरी धनिया है, ये भी हम इसमें स्प्रिंकल कर देंगे अच्छे से। तो गाइस इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा कलर, इसको ढक के धीमी धीमी आंच पे पकाएंगे। ये देखिए गाइस बिरयानी रेडी हो चुकी है, बिरयानी हमारी वाओ बहुत अच्छी लग रही है, बहुत टेस्टी लग रही है। चलिए इसको सर्व करते हैं। कितनी टेस्टी लग रही है, कितनी बढ़िया लग रही है, वाओ सो गुड। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।